सो पंचान मुकारो जब भाव अपना सुनो मंगलान जब सिमर मम वही मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरी वार निवारी ने रते योगिनाथाय महावीराय ताइने जय ई जग जीव जोणी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय ई जग पिया महो भैव जय ई सुवाण भवो तितैराण अबछिमो जय ई गुरु लोगण जय ई महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं जायोति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनी सेवी अपाय ओं क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेऊ श्रीपाद जगनाओ अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनुसरति प्रायण शिष्या अनंतकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूरेश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के अगले सूत्र में मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है उनकी बात इस श्लोक में लिखी है। शायद एक शब्द लिखा है शायद अपने परिवार के वडिलजन होते हैं उनके शील को परिवार वाले अनुसरते हैं। माने मेरे शिष्य मेरे जीवन को देखेंगे, आपका परिवार आपके जीवन को देखेंगे। शायद शब्द लिखा है। कई ऐसे भी होते हैं कि परिवार में इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद बेकार जीवन जीते, और कई ऐसे भी माँ बाप के बेटे हो सकते हैं माँ बाप का बुरा जीवन होने के बाद भी उनका जीवन अच्छा बन सकता है। माने शायद शब्द लिखा है आपके सामने। आज पांच बात रखना चाहता हूँ। मैं मेरे परिवार को क्या दे करके जाना चाहता हूँ और मेरा परिवार मेरे से क्या लेना चाहता है। बहुत गंभीरता से, आपके पिताजी भी थे आपने देखे होंगे, आपका बेटा आपको देख रहा है। माने दो बातें, आपने अपने पिताजी को भी देखा है और आपका बेटा आपके खुद के जीवन को देखा है। मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ आपके पिताजी से आपने क्या पाया, या तो आपके पिताजी से आप क्या पाना चाहते थे, मिला नहीं मिला आगे की बात। नंबर एक, आपके पिताजी के पास पैसा जबरदस्त था। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मेरे मन का आकर्षण क्या हो सकता कि पिताजी की विरासत मुझे मिल जाए, और ये आकर्षण पैसे का। जरूर एक बात बताना चाहता हूँ, पिताजी की विरासत मिल सकती है मगर विरासत को संभालने का सामर्थ्य आपको ही पैदा करना पड़ता है। रिपीट, आपके पिताजी की विरासत आपको मिल सकती है मगर विरासत को संभालने का बढ़ाने का सामर्थ्य तो आपके पास होना चाहिए। आप आपके बेटे को करोड़ रुपया दे करके जाएंगे, जरूर नहीं कि करोड़ रुपया बचेगा। मैं आज एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। पाली थाना में मोतीसा सेठ का नाम सुना है, मोतीसा? आपके पिताजी ने दिवाला निकाला था। बहुत गंभीरता से बात करना चाहता हूँ। आज एक बात आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ, धर्म करने वाला पाप करने वाला दोनों दुखी हो सकते हैं। रिपीट, पाप करने वाले के जीवन में दिवाला निकल सकता है तो परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा करने वाला, और जिनकी व्रतक अच्छे कार्य में जाने वाले का भी दिवाला निकल सकता है। आप ये मत मानना कि धर्म करने वाले के जिन में दुख नहीं आता है, ये कभी गलती से भी मत माना। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी मेंटालिटी क्या? नहीं मुझे बताओ, ये कंसेप्ट मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। धर्म करने वाले के जीवन में भी आप पापी के जीवन में जो कुछ होता है सब कुछ धर्म करने वाले के जीवन में भी हो सकता है। पापी का दिवाला निकल सकता है, धर्मी का निकल सकता है। पापी को कैंसर हो सकता है, धर्मी को कैंसर हो सकता है। पापी का बेटा अपने बाप का खून कर सकता है, धर्मी का बेटा भी अपने बाप का खून कर सकता है। रिपीट करना चाहता हूं, कोई शंका कोई डाउट आपके मन में?
बराबर। माने जीवन में कभी पापी के धर्मी के जिनमें दुख आवे तो धर्म को गाली देने का पाप मत करना, ये मेंटालिटी बन चुकी है ना। अरे एक धर्मी के जीवन में भी इनका बेटे को धर्मी को कैंसर होगा तो तुम बोलेंगे महाराज साहब 50 साल से भगवान की पूजा करता था, यदि उनको भी कैंसर हो गया तो फिर धर्म का फल क्या, ये बोलने का मन होता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। चलो आगे। माने धर्मी के जीवन में वो सब दुख आते जो पापी के जीवन में आते हैं, कंसेप्ट क्लियर करना। हाँ क्या है सच बोलो, ये इस जीवन का, इस जन्म का नहीं है ना, अगले जन्म अगले जन्म अगले जन्म कितने तुम लंबे चलेंगे तो कहाँ ना कहाँ कोई गलती की है। और मैं आपको पूछना सच बोलो, गाड़ी कोई भी ले लो रास्ते में खड्डे तो दो सब गाड़ी में आएंगे ना। रिपीट करना, एक बार मैंने यहाँ बोला था फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपके पास फियाटो ऑडियो की मारुति हो रास्ता तो वही रहेगा ना, रास्ता तो वही रहेगा। माने जीवन आपका भी रहे कि धर्मी का रहे, माने हर तरह के पाप दुख इनके जीवन में आएंगे आएंगे, गारंटी के साथ आएंगे। चलो आगे बात में वो करना चाहता हूं, मोतीदास सेठ के पिताजी ने दिवाला निकाला था और बड़ी शालीनता के साथ मोतीदास सेठ ने वो दिवाला सरप्लस कर दिया, माने हर पेमेंट जिनको भी देना था वो चुका दिया। मैं वो कहना चाहता हूं आज के जमाने में दिवाला निकलने वाला सब कुछ एडजस्ट करके दिवाला निकलता है, बदमाशी करता है एक नंबर की, लाखों करोड़ों रुपये आपने सब जगह पे व्यवस्थित करके हाथ खड़ा कर देता है, ये बदमाशी धर्मी कभी नहीं करेगा। दिवाला निकल गया, पाप कर्म का उदय है ओके। और हर तरह के प्रयास करने के बाद मोतीलाल सेठ ने अपने पिताजी का दिवाला चुका दिया, बराबर है। इनका बेटा था खिमचंद सेठ, भगवान मोतीलाल सेठ की टूकी प्रतिष्ठा जी अपने बेटे ने की, और ये खिमचंद सेठ ने आपके पिताजी माने मोतीलाल सेठ विरासत में लिख गए थे विल बना करके कि बेटा कभी भी जीवन में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए 5 आदमी की राय कभी भी मत लेना, और उनकी ही राय ली और उसने भी दिवाला निकाला। किसने आप बोलो किसने, खिमचंद सेठ ने, मोतीलाल सेठ ने दिवाला इनके पिताजी ने निकाला, उसने पूरा कर दिया और अपने बेटे ने भी दिवाला निकाला, बराबर है। और यह दिवाला निकलने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि कोर्ट मैटर हुई और कोर्ट मैटर में सब कुछ डिक्लेयर करने की बात आई, 400 लेने वाले साथ में थे, खिमचंद सेठ के पास 400 लोग को कुछ ना कुछ लेना था, सब कोर्ट में हाजिर थे। आज खिमचंद सेठ क्या डिक्लेरेशन करते और सब कुछ डिक्लेयर कर दिया, एक भी चीज रखी नहीं, यहाँ जमीन है यहाँ फ्लैट है यहाँ ये सोना चांदी हीरा मणिक मोती जो कुछ भी था सब, ये कौन कर सकता है, ये पापी नहीं करेगा। दिवाला निकलने के बाद भी एक आइटम बची नहीं कि सब कुछ डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेयर करने के बाद नीचे उतरे और ऐसे ही यहां अंगुली गई कान पे खा जाती थी, और जैसे ही गई तो पता चला पुराना जमाना में वाड़ी पेरता था, वाड़ी समझे ना कान में, और उनको पता चला सोने की थी, और खिमचंद सेठ को पता चला मैंने जज के सामने हर मेरी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन कर दिया, ये दो रह गई थी, इतनी इतनी अनिति मैंने कॉन्शियस के साथ ये गलत कर दिया, और फिर वापिस चढ़े। जज नीचे उतर रहा था और जज को कहा जज साहब 2 मिनट के लिए रुक जाओ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और आपने ये डिक्लेयर कर दिया मेरी गलती से मेरी अनजान से, मुझे ये मालूम नहीं था मेरे कान में ये 2 सोने की चीज बची है, आज मैं वो भी तो डिक्लेयर करना चाहता हूँ, भगवान की मेरे पास कृपा है, पाप कर्म का उदय तो मेरे पास संपत्ति बची नहीं मगर भगवान महावीर की नीति तो अभी भी बची है। रिपीट करना चाहता हूँ, पाप कर्म के उदय से पैसे नहीं बचे मगर भगवान महावीर के शासन को पाया हूँ, नीति लेकर के बैठा हूँ, इसलिए बोलना चाहता हूँ ये 2 नॉट कर लो, नॉट कर दो अभी मेरे पास, मैं समझता हूँ तब तक मेरा कुछ नहीं बचा। और आपको बताऊँ प्रशांत भाई 400 लोग रो रहे थे, जिन 400 लोगों को मोतिया से ये खिमचंद सेठ के पास पैसा लेना था सब रो रहे थे, और उनको लगा ऐसा ईमानदार आदमी दिवाला तो किसी का भी निकल सकता है मगर ये ताकत लेकर के बैठा है। 400 लोगों ने जज के सामने बोला खिमचंद सेठ का 1 रुपया भी हम लेना नहीं चाहते, हर रुपया हम छोड़ देते हैं। साथ बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपके पास ये विरासत है पैसे की नहीं पूछना चाहता हूँ, ये विरासत है आपके पास,
इतनी बड़ी सभा में मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी छोटी सी चीज आपके पास बची है, दिवाला निकल सकता है, किसी का भी निकल सकता है, मगर दिवाला निकलने के बाद ये जो मानसिक ताकत लेकर के आदमी बैठा था वो धर्मी के पास हो सकती है, गलत करने वाले के पास नहीं हो सकती है। चलो आगे, आपके पिताजी के पास पैसा था नंबर एक, आपके पिताजी के पास पुण्य था नंबर दो, सारे समाज में गुडविल थी, प्रतिष्ठा थी, 5-15 लोग आपके घर पे आकर के आपके पिताजी के पास राय लेने के लिए आते थे, ये प्रतिष्ठा थी, पुण्य था। नंबर एक आपके पिताजी के पास पैसा, नंबर दो आपके पिताजी के पास पुण्य, नंबर तीन आपके पिताजी के पास प्रेम था। मैं आपको वो पूछना चाहता हूं, आपका बेटा आपके पास से क्या लेगा? आपके बेटे को आपके जीवन में क्या दिख रहा है? पैसा दिख रहा है, पुण्य दिख रहा है, या आपका प्रेम दिख रहा है? बहुत गंभीरता से बात करना है, मेरे शिष्य मेरे से क्या लेंगे? मेरा प्रवचन लेंगे? मैं एक अमीर गुरुदेव बहुत श्रेष्ठ कोटि के ऑथर है बोलेंगे क्या? मैं मेरे से वो क्या लेना चाहेंगे उनकी मैं बात करना चाहता हूं। नंबर एक पैसा, नंबर दो पुण्य, नंबर तीन आपका प्रेम, देख करके आपके बेटे को लगता है पैसा मिले या ना मिले मगर पप्पा का क्या प्यार है जीवो के प्रति। रायपुर चातुर्मास करके मैं आ रहा था औरंगाबाद की ओर, और बीच में गांव आया, 28 साल का बेटा मेरे पास बैठा था, महाराज साहब आज मेरे पिताजी आपके सामने उपस्थित नहीं है मगर करोड़ों 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 जन्मों का पुण्य किया हो तो ऐसे बाप का बेटा बनने का सौभाग्य मिल सकता है, रो रहा था। मैंने बोला कोई कारण? पिताजी की अनुपस्थिति में पिताजी की इतनी प्रशंसा करने वाले बेटे बहुत कम देखे, मैं रिपीट करना चाहता हूं, बहुत कम देखे। और ऐसा बोलता था कि महाराज साहब एक बार मेरे पिताजी को आप देख लो, शायद आपने देखा होगा मगर नजदीक से महाराज साहब आपने नहीं देखा, वो दिखाने के लिए चाहते भी नहीं, मगर मैं महाराज साहब गवाऊं, महाराज साहब पिताजी का प्यार जीवों के प्रति, महाराज साहब परिवार को पिताजी ने बोल दिया है, दिलेश पिताजी घर से बाहर निकलने के पहले महाराज साहब पिताजी की जेब चेक करनी पड़ती है, जेब। मैंने बोला क्यों? महाराज साहब पिताजी ने सीधा बोल दिया है मैं रोज घर से बाहर निकलने के पहले तिजोरी में हाथ डालूंगा, जितने भी रुपया है, चाहे 5,000, 10,000, 20,000, 5,00,000, 10,00,000 कितने भी रुपया है, और वो रुपये मैंने लिए बाहर निकलते वक्त कितने भी रुपयों के, मगर घर पे आऊंगा तब एक रुपया बचेगा नहीं, हर रुपया मैं डोनेशन में दे दूंगा। महाराज साहब एक बार 8,00,000 रुपया दे के निकला है, 8,00,000। महाराज साहब गद्दा दिखाई पड़ा, कुत्ता दिखाई पड़ा, भिखारी दिखाई पड़ा, गरीब दिखाई पड़ा, कोई भी दिखाई पड़ा, महाराज साहब बस पागल महाराज साहब मेरे पिताजी। महाराज साहब हमारे वहां 200 लोग काम करते हैं, 200, आप समझ रहे डिब्बे पर पैसा इतना है, 200 लोग काम करते हैं, मगर महाराज साहब पिताजी ने हमारी व्यवस्था, हम जिस हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करते हैं 200 लोगों का परिवार वही हॉस्पिटल में वही डॉक्टर के पास इनकी ट्रीटमेंट चलती है। मैं पूछना चाहता हूं, बेटा बोलता था महाराज साहब आशीर्वाद दे दो, जो हृदय लेकर के पिताजी बेटे, महाराज साहब गद्दा गिर गया और पिताजी ने हम सबको इकट्ठा करके कहा मैं जीवन में किसी का भी खून नहीं देख सकता हूं, किसी का दुख नहीं देख सकता हूं, आप मेरी जेब में से चेक करना तो करते रहना मगर मेरे दान को रोकने की गलती कभी मत करना। मैं पूछना चाहता हूं, एक और पैसा है, दूसरी और ये पुण्य है, और तीसरी और प्रेम लेकर के बैठा है। और लड़के ने बोला महाराज साहब पिताजी का पैसा मिले या ना मिले दोनों हाथ से महाराज साहब आशीर्वाद दे दो, पिताजी का यह प्यार मेरे जीवन में भी आ जाए। या इतनी बड़ी सभा में बड़ौड़ा में ऐसा कौन मर्द का बच्चा बैठा होगा जो निकलते वक्त जो लेकर के जाता है वापिस आता है तो बिल्कुल जेब खाली करके आता है, एक मर्द का बच्चा होगा यहां? दीपक भाई जैन भाई प्रश्न अमाउंट का नहीं, 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया का नहीं, अमाउंट ये है हर चीज देने के पहले खड़ा आना ही नहीं। साथ बोलो आपका पुण्य देख करके आपका बेटा पागल है, क्या आपका पैसा देख करके पागल है, या आपका प्यार देख करके बेटा पागल है? हैं? नहीं,
आपने आपने क्या दिखाया आपके बेटे को? आपने कभी ये प्यार दिखाया? आपने जानबूझ करके आपकी ऑफिस में काम करने वाले नौकर को बुला करके कहा, दोस्त तेरे घर में कोई भी प्रसंग कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो मैं बैठा हूं, कहीं हाथ फेराना नहीं। आपने बेटे के सामने आदर्श रखा है कभी? गुरु जिलम गुरु जन शिलम अनुसरंती शिष्या, क्या कमाल का स्लोगन है। आज मेरे पास जो भी थोड़ी ज्यादा अच्छी चीजें मैंने भुवन भानु सुमा के सामने देखी है, 18 साल गुरुदेव के बाद नस्तिक रहा और गुरुदेव के एक एक जीवन को मैंने चेक किया, लगता है कमाल। आपका बेटा आपसे क्या लेना चाहेगा मैं वो बताना चाहता हूं। आपकी विरासत पैसे को देख करके बेटा बोलेगा कि पिताजी का पैसा मुझे मिले, पिताजी का पुण्य मिले, या पिताजी के हृदय का जीवों के प्रति जो प्यार है वो प्यार मिले। जैस क्या लगता है, ऐसा प्यार तुमने आपके बेटे के सामने कभी प्रदर्शित किया? प्रशांत भाई क्या नहीं, जवाब चाहिए मुझे। 5 चीज मैं बताना चाहता हूं, वो चीज आपके पास चाहिए। आपके हमारे भाई मुनि भगवंते पुरंदर विजय जी शांत हो गए, दादर के रहने वाले, इनके ग्रस्त जीवन का नाम था पूनम बाबू, लखनऊ के थे। इनके दोनों बेटे मलाड़की शिविर में गुरुदेव भुवन भानु सुमा की निश्रा में शिविर दी और मेरी दीक्षा का पहला साल था, शिविर में आए थे। और शिविर में आने के बाद शिविर में माता पिता की पूजा की बात चली और ये दोनों बेटे ने नियम लिया होगा रोज पिताजी को नमस्कार करके आगे काम करेंगे। शिविर की समाप्ति के बाद घर पे गए और सुबह पिताजी कुर्सी में बैठे थे, दोनों बेटे के पिताजी 2 मिनट के लिए हम आपको नमस्कार करना चाहते। पिताजी ने बोला क्यों, आज नूतन वर्ष नहीं है? हाँ करीबन करीबन कुछ लेना देना होता है तो नमस्कार करते। और बेटे ने बोल दिया, पिताजी मालूम है क्या, नूतन वर्ष नहीं है मगर गुरुदेव की शिविर में गए और माता पिता का क्या उपकार है, गुरुदेव के मुँह से सुने आँख में से आंसू निकल गए और गुरुदेव ने एक छोटी सी बात रखी थी कि चलो आप उपकार के सामने दूसरा कुछ नहीं कर सकते मगर नमस्कार से दिन की शुरुआत करो। और पिताजी उसी टाइम माँ बाप को नमस्कार करने का नियम लिया, आज पहला दिन है आपको नमस्कार करते हैं। और दीपक भाई वो पिताजी ने बोला 5 मिनट के लिए रुक जाओ। और बेटे ने बोला पप्पा क्यों, आप यहाँ ही बेटे में नमस्कार करने आए तो आशीर्वाद दे दो, बात खत्म हो जाए, 5 मिनट के लिए रुकने की जरूरत क्या है, मैं जाता हूँ। क्या जल्दबाजी आपको जाने की, 2 ही मिनट में तो आशीर्वाद दे दो। और तब पिताजी ने कहा कि दोस्त एक बात बताओ बेटे को, कहा मेरी खुद की मम्मी तो घर पे है, आज तक मैंने कभी माँ को सुबह उठ के नमस्कार नहीं किया मगर तुमने ये शुरुआत की तो पहला तुम्हारा बाप शुरू करेगा फिर तुम्हारा नमस्कार लेगा। महाराज साहेब वो पुरंदर महाराज कहते थे, महाराज साहेब मेरी माँ को नमस्कार करने का मेरे बेटे ने मुझे सिखाया, मैं आपको पूछना चाहता हूं आपका बेटा आपसे क्या सीखेगा। मुझे एक बात का जवाब दो, आपको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है परिवार को अच्छे आदर्श देने की? आपको लगता है, मैं पूछना चाहता हूं आपको यह लगता है कि मेरे परिवार को आदर्श देने की मेरी जिम्मेदारी है? चाहे मैं कोई भी करूंगा मगर मेरे परिवार यदि मेरी विरासत लेकर के चलेगा, आपको मालूम है सच बोलो, या सिगरेट पीने वाले भी होंगे, कभी बेटे को बोला बेटा मजे से पीना? हाँ नहीं ना, सच बोलो क्यों नहीं, क्या है गलत आदत है ना? सच बोलो आपको गलत लगता है फिर भी आप मजे से पीते हो तो आपको नहीं लगता ये कभी ना कभी कभी ना कभी कभी ना कभी ये बेटा विरासत लेके चले जाएगा तो वो बोलेगा कि मैं तो नहीं लेना चाहता था मगर मैंने मेरे घर में पिताजी को पीते हुए देखा फिर क्या दिक्कत थी, नॉट पॉसिबल क्या? चलो आगे देन में क्या लेके जाएंगे, नहीं बोलो आपको क्या लगता है कि आपका परिवार आपसे क्या क्या ले रहा है अभी, और आपका परिवार यदि आपको चाहता है तो क्यों चाहता है?
आपकी किस चीज को लेकर के आपका बेटा प्राउड के साथ दूसरे लोगों के बीच में बोल सकता कि तुमने मेरे पिता को देखा नहीं है यार? सर बोलो, आपका परिवार किस चीज के लिए प्राउड होकर के आपकी अनुपस्थिति में आपकी बात करते हैं? इमान भाई क्या नहीं, आप बोलो। आज मैं भुवन भानु समय अनुपस्थित है तो भी मैं बात करता हूं, आज गच्छाधिपति जयगोष में अहमदाबाद बैठे तो भी मैं आपकी बात करता हूँ कि क्या मिरल नेचर लेकर के बैठे? आपका परिवार आपकी अनुपस्थिति में आपके किस चीज के लिए प्राउड के साथ बात करता है? नहीं बोलो, आपको बुलाऊंगा मैं। क्या नेगेटिव बात होती है वो ज्यादा याद रहती है, सच्ची और सही बात ज्यादा याद नहीं रहती? आपके बारे में बोल रहे हो कि दूसरे के बारे में? नहीं नहीं नहीं, कॉमन कुछ नहीं, नहीं कुछ कॉमन नहीं। आप ये कॉमन मत मानो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना, आपका बेटा आपका परिवार आपकी अनुपस्थिति में आपकी किस चीज के लिए प्राउड फील कर रहे है? ये लड़के की बात मैंने बताई, वो लड़का मलकापुर का था जो मैंने बताया। मारा साहब पिताजी की जेब में कितने भी रुपए को प्राउड मेरे मेरे सामने, नहीं मजाक मत करो, तुम खत्म हो जाएंगे। आप यदि क्लब में होटल में घूमते होंगे, आपका बेटा आपसे 10 गुना ज्यादा बदमाश होकर के रहेगा। मैं तो इतना छोटा सा प्रश्न, मुझे आपका परिवार का सदस्य आपकी अनुपस्थिति में किस चीज के लिए प्राउड महसूस करता है? नहीं क्या नहीं कुछ नहीं, सामने वाला खुद नहीं पूछता बिना पूछे। मैं एक बात बताऊं, जो लड़का मिलने के लिए मलकापुर का, मैंने नहीं पूछा था कि तेरा पिता क्या कर रहा है, वो बिना पूछे सामने से बोलने लगा है। माना साहब एक बार मेरे पिताजी को देखो, मैं बताऊं, मैंने कभी प्रवचन में अभी तक सब्जेक्ट वो नहीं लिया, 5000 रुपया मूर्ख बनने का बजट अभी नहीं लिया, बराबर है। महाराज साहब वो भरत भाई इनका नाम, इनके पिताजी का, चलो बात निकली तो मैं बताऊं। महाराज साहब पर डे 50,000 रुपये का मैं मूर्ख बनता हूँ, पर डे दिलेश 50,000। महाराज साहब कोई भी आदमी मुझे झूठा लगता नहीं, चाहे कितना भी झूठ बोले। महाराज साहब पैसा है ना, पैसा के लिए सामने वाली व्यक्ति पर अविश्वास करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, चाहे वो बोले जो भी बोले, महाराज साहब रुपया दे देता हूँ। वो लड़का मुझे बोल रहा है, महाराज साहब ऐसे पप्पा संसार में चलेंगे क्या? जिनको सारी दुनिया में कोई आदमी झूठा नहीं लगता, ये बाप माना साहब दुनिया में चले गए, लड़का पूछ रहा है। कोई भी आदमी पापा को डिब्बे में रख सकता है माना साहब? और ये लड़का मेरे पास वास्केप डलाते वक्त रो रहा था, माना साहब अगले जन्म में बाप मिले तो यही मिले। गुरुजन शीलम अनुसरन्ति प्रायण शिष्यः, क्या कमाल का स्लोगन है। आपको पूछना चाहता हूं, आपका परिवार आपकी अनुपस्थिति में किस चीज के लिए प्राउड महसूस करता है? आगे, नंबर 1 पैसा, नंबर 2 पुण्य, नंबर 3 प्रेम, नंबर 4 पवित्रता। सारी दुनिया के सामने आपका बेटा जाके बोलेगा, मेरे पप्पा के सामने समाज अंगुली करे, ऐसा कोई पाप इनके जीवन में नहीं है, नेवर, बेदाग है। चाहे कितनी बड़ी कंपनी में काम करते होंगे, कितने रुपये होंगे, कितना रूप होगा, कितनी पर्सनालिटी होगी, मगर मेरे पिताजी के लिए तुम ये अंगुली ये बात कर नहीं सकते। रियली बहुत पवित्र है मेरे पिताजी। आपके बेटे के मन में आपका ये पिक्चर है क्या? आपके बेटे के सामने आकर के बोले तेरे पिताजी को मैंने किसी लड़की के साथ बोला था? बेटा बोले दुनिया में कुछ भी हो सकता है, मेरे पिताजी के लिए बात गलत है। तूने देखा होगा तो भी मैं गारंटी के साथ, मेरे बाप को मैं पहचानता हूं, तू नहीं पहचानता है, यह गारंटी तुम्हारे पास है। यहां बैठने वाली बहनों को पूछना चाहता, आपकी बेटी प्राउड कर सकती है? मेरी मां आज पहली बार बोली सबरी, खबरदार मेरी मां के सामने कुछ शब्द निकला, जानती हूं मेरी मां कितनी पवित्र है।
ये माहौल इतना बदमाशी भरा माहौल है कि तुम्हारी पवित्रता का गारंटी लेने वाले लोग कम होते चलते हैं। मुझे बताओ आपका परिवार का सदस्य आपकी किस चीज को लेकर के फॉलोअप करेगा? नहीं, चाहे मेरे पिताजी के जिन में कुछ भी था मगर पवित्रता के क्षेत्र में मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे पिताजी विधायक थे। आपको कभी नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे से क्या ले रहा है? जयेंद्र में कभी नहीं मन में ये प्रश्न उठा कि नहीं, मैं जो उठाता हूं ये आपके मन में कभी उठा कि नहीं? शायद बोलो परिवार के सदस्यों को बिठा के तुमने कभी मीटिंग की? आज 30-40-50 साल ये परिवार में रहकर के वह मेरे से तुमने क्या सीखा और मैंने तुम्हें क्या मैसेज दिया और मेरे से तुमने कौन सा मैसेज लिया? आई वुड लाइक टू नो। आपने परिवार को कभी पूछा क्या बैठने वाले को पूछना जानो आपकी ये जिम्मेदारी नहीं? सास की जिम्मेदारी, बहू की जिम्मेदारी, देरानी जेठानी की जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी, मां की जिम्मेदारी कभी नहीं लगता है? सर बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, यह रायपुर वाले मोतीलाल जाबक जी बैठे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पूरे रायपुर में छत्तीसगढ़ जिला रायपुर गांव नहीं, मोतीलाल जी का खुद का घर नहीं, रायपुर श्री संघ नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ चाहे कोई भी संघ हो और ये नाम आया मोतीलाल जाबक तो इनकी उदारता के लिए सब लोग प्राउड कर दे, मोतीलाल जैसी उदारता छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलेगी। मांगने वाला चुका और देने में कोई कमी नहीं, कभी भी नहीं, लेते ही जाओ लेते ही जाओ लेते ही जाओ, क्या गुडविल लेकर के बैठे एक आदमी। मैं पूरे बड़ोड़ा आपकी आपकी जिम्मेदारी ले वो तो नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ आपके परिवार के सदस्य आपके क्या क्या लेकर के चलते मुझे जवाब चाहिए। आपने कभी आपके जीवन को बचाया? मेरा परिवार मेरे से कोई गलत मैसेज लेके जाएगा तो करूंगा क्या? पूरी जिंदगी पर तक वो बोलेगा कि ये मेरे बाप से मैंने सीखा गलत। कोई जवाब नहीं तुमसे, कमेंट के साथ नहीं, आपको सिंसियर ये प्रश्न नहीं था क्या? आप इनको भी मजाक मान रहे हो, आपका बेटा आपके लिए, आपकी बेटी आपके लिए अपने मित्र वर्ग में फ्रेंड सर्कल के बीच में क्या बात करते, आपको कभी नहीं लगता? और आपके बेटे के मित्रों को भी फोन फोन करके पूछ सकते हो कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ ओपिनियन दे रहा है क्या? और वो ओपिनियन को एक बार जान लो और आपको पता चलेगा कि आपका बेटा आपके लिए क्या ओपिनियन दे रहा है। या बैठने वाली माँ को पूछ रहा हूँ कि आपकी बेटी की फ्रेंड को एक बार कभी पूछ तो लो, कॉलेज में लड़की है तो उनको पूछो कि मेरे लिए कुछ कुछ। हाँ सच बोलो, देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? तुम ये मत बोलो कि नहीं, मैं तो जो बोलता हूं आपको गंभीरता से कहना चाहता हूं, तुमने कभी ये सोचा है क्या? क्यों नहीं सोचा? इंदौर में मेरा चातुर्मास था, या बैठी हुई माताओं को मैं कहना चाहता हूं क्या हो सकता है? और एक बार मैंने प्रश्न उठाया कि आपके बेटे का आइडियल कौन है? आइडियल दैट मीन्स आदर्श। कोई ये बेटा बोल सकता है कि मुझे सचिन तेंदुलकर होना है? कोई बेटा ये क्यों नहीं बोलता कि मुझे मेरे पिताजी जैसा होना है? रिपीट। या बैठने वाली कोई लड़की वो कुछ अलग अलग नाम बताएंगी, वो क्यों नहीं बोलती कि मेरे मुझे मम्मी जैसा बनना है? है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुनिया में हर स्त्री गंदी है गलत है, मे बी पॉसिबल, मगर लड़की को ये क्यों नहीं होता कि मेरी मम्मी जैसी मुझे बनना है? मेरी बात बताऊं, गौतम स्वामी अति महान थे, 50,000 केवल नानी के गुरु, मगर मुझे बताओ
तो मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान करे मेरे आशीर्वाद दे दे मुझे भुवन भानु श्री महाराज जैसा बनना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत नजदीक से देखा है। गौतम स्वामी बहुत महान थे, कोई विरोध नहीं, मगर मैंने आपको कभी देखा नहीं। तो जिसको मैंने देखा, जिनके उपकार को मैंने लिया, और रात को 12 बजे भी पूछे तो मैं बोल सकता हूँ कि गुरुदेव भुवन भानु श्री बना दो, जीवन मेरा धन्य हो जाए। आपका बेटा आपको आइडियल क्यों नहीं रखता है? या बेटे वाली मम्मी को मैं कहना चाहता हूँ, आपका बेटा आपको आइडियल क्यों नहीं रखता है? क्या मेरी माँ है, तुमने देखा नहीं? एक बार कहो नजीक से, जनरल आंसर कोई मैं ही चलूं, आप नहीं बोलेंगे? हाँ नहीं, जो भी है बोलो। नहीं क्या, तो क्यों नहीं? यदि गुरुदेव भुवन भानु श्री महाराज ने महाराज को मैं आइडियल बना सकता हूं, मेरे शिष्य भी मुझे बनाते हैं। सुगर नहीं, अच्छा क्यों नहीं बोलता है? नहीं क्यों नहीं बोले? पिताजी के हिसाब से पिताजी की गलत बात वो नहीं करेंगे, अच्छी बात क्यों नहीं करेंगे? मगर कोई जवाब नहीं, ओपिनियन नहीं, मैं वो कहना चाहता हूँ, वो आप क्या बनेगा वो? नहीं, मजाक मत करो, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। आपकी उपस्थिति में आपका परिवार आपकी आंख में से खून के आंसू निकाल देंगे। वो लड़का बोलेगा, पिताजी जिंदगी में तुमने मुझे दिया क्या? यही दिया ना, यही बदमाशी, यही गंदगी, यही नालायकता तुमने दिया क्या? अपने जिन में क्या दिखाया मुझे? मम्मी के साथ चीटिंग करके बाहर निकलते, तुम कहां जाते थे? बेटे बोलते, आज के बेटे मौन नहीं रहेंगे। मैं इंदौर की बात करता था, 4 महीना प्रवचन चलने के बाद एक बाप अपनी बेटी के लेकर आए। मैं सचमुच बोलता हूं, मैं इनको धन्यवाद दिया, मैंने कमाल, महाराज साहब 22 साल की मेरी बेटी, उनके लिए मैं दामाद ढूंढने के लिए निकलता था। भगवान की कृपा से महाराज साहब उसको रूप भी जबरदस्त मिला है, और महाराज साहब परमात्मा की कृपा से पैसे गाड़ी मोटर सब कुछ है महाराज साहब आज का जमाना। और आपने महाराज साहब प्रवचन में बात बताई, तब से मेरे जीवन को मैंने बटन लिखा शुरू कर दिया। देखो प्रशांत भाई क्या हो सकता है। और एक दिन महाराज साहब बेटे के लिए दामाद ढूंढने का घर में बात चली, बेटी सुन रही थी, और आज के जमाने के हिसाब से हमको लगा कि कोई गलत फहमी नहीं करनी चाहिए। बेटी को पूछ लिया, तेरे लिए दामाद ढूंढने के लिए जा रहे, तेरी चॉइस क्या हो सकती है? इंटेलिजेंट एजुकेटेड तो वहां जाना, इंडस्ट्रियलिस्ट तो वहां, सीए तो वहां, एडवोकेट तो वहां, तू जो भी बोले वो। आज के जमाने में वो जमाना था कि माँ बाप पसंदगी करते थे। आज हम खुले मन से तुझे पूछते हैं, कौन सा लड़का तुझे चाहिए? बेटी बाजू में बैठी थी, आज वो कंचन बाग उपासना का दृश्य मेरी आंखों के सामने है। बेटी नीचे दृष्टि रख करके आंख में से आंसू के 2 बूंद गिरे। ऐसे देख लिया, पिताजी ने, बेटी रो रही थी, पिताजी ने जेब से रुमाल निकाला, 2 मिनट रुक गए, और महाराज साहब आपके प्रवचन ने क्या कमाल कर दिया। महाराज साहब मेरी बेटी को मैंने पूछा कि बेटी तेरे लिए कैसा दामाद लाऊं? करोड़पति लाऊ, पढ़ा लिखा हुआ डिग्री वाला लाऊ, गाड़ी वाला लाऊ, तू जो बोले सलाऊ। और महाराज साहब एक ही झटके से मेरी और मेरी पत्नी के बीच में बेटी ने हाथ जोड़ के कहा, पप्पा आपका स्वभाव हो ऐसा दामाद लाओ, बाकी कोई नहीं चाहिए मुझे। महाराज साहब मेरी बेटी के लिए मैं आदर्श बन चुका, चाहे पप्पा कोई भी रहो, भिखारी के घर का रहो, मगर आपका जो रॉयल नेचर आपने बना दिया है वही पति मुझे चाहिए पप्पा। और बाप बोलता था, महाराज साहब मैं धन्य बन गया, सारी दुनिया में इतने लड़के होने के बाद बेटी ने मेरा नेचर पसंद किया, बाप के लिए महाराज साहब इससे ज्यादा उपलब्धि क्या हो सकती है? मैं पूछना चाहता हूं, है आपके परिवार के बाद ये आइडल? क्यों उनको तेंदुलकर क्यों बनना है, शाहरुख खान क्यों बनना है, वो क्यों नहीं बोलते कि मुझे पिताजी आपके जैसा बनाए? वाई नॉट? आपके पास कोई आंसर है तो मैं जानना चाहता हूं। ये दृश्य
नहीं लगता है। सच बताऊं ये आनंद आपको क्या होगा, तुम फील तो कर सकते हो ना, भले तुम्हारे परिवार में अभी तक नहीं बना, मगर कभी आपका बेटा बोले कि पप्पा आपका जो नेचर है ना वो नेचर मुझे चाहिए, आप फूले नहीं जाएंगे? आपको नहीं लगेगा? आप बेटे को गले लगा देंगे, बेटा आज मैं जीत गया, तेरा बाप सही अर्थ में पक्का हो गया। और एक बात बताओ, बायोलॉजिकल बाप तो गद्दा भी बन सकता है, थोड़ा कठोर बोलता हूं, बायोलॉजिकल बाप तो गद्दा भी बन सकता है, उसमें तुम कोई पराक्रम नहीं किया, पराक्रम तो तुम स्पिरिचुअल और मॉरल के क्षेत्र में बाप बनो तो मानो कि तुम सच्चे बाप हो। एक गद्दा भी अपने दो बेटे को जन्म देता है, उसमें तुमने क्या पराक्रम किया? नहीं, ये पराक्रम तुम करके दिखाओ। प्रशांत भाई क्या लगता है, नीति वाक्य अमृत ग्रंथ सच मुझ बताऊं सर पे लेकर के नृत्य करने का मन होगा ऐसा एक ग्रंथ है? क्या खुला कर दिया है। और आज की पीढ़ी को एक बार पीढ़ी की बात करना चाहता हूं, यहां बैठी हुई बहनों को भी मैं कहना चाहता हूं, आज की पीढ़ी आप क्या बोलते हो वो सुनती नहीं है, आप क्या करते हो वो देखती है। रिपीट, आप चाहे कितना भी अच्छा बोलो आपकी पीढ़ी मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप अच्छा करो कभी भूलेगी नहीं। बेटी को और बेटे को अच्छा बोलना है कि अच्छा करके दिखा देना है? जयेश क्या लेगा? नहीं मुझे बताओ, इतनी बड़ी सभा में आप मुझे बताओ नहीं कि आपका बेटा बेटी अभी आपसे क्या मैसेज ले रहे हैं। अभी दीपक भाई क्या अभी क्या ले रहे हैं वो क्या, और वो सही मैसेज ले रहा है, उनका एक पता वही चलेगा आपकी अनुपस्थिति में बेटा आपके लिए क्या बोलता है, उपस्थिति में नहीं। नंबर एक पैसा, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार और नंबर पांच प्रसन्नता। कोई भी गुरु अपने शिष्य को, कोई भी बाप अपने बेटे को, कोई भी सास अपनी बहू को, कोई भी माँ अपनी बेटी को, ये पांच चीज में से कोई भी चीज लेने के लिए तैयार कर सकती है। या तो मेरा पैसा ले लो, या तो मेरा पुण्य ले लो, या तो मेरी पवित्रता ले लो, या तो मेरा प्रेम ले लो, और या तो मेरी प्रसन्नता ले लो। बिजनेस में 2 करोड़ का लॉस है और पप्पा की हैप्पीनेस देखी, गुरुदेव हिल गया। मैं सारी और हर जगह से हमारा सब लॉस का समाचार, और पिताजी का क्या माइंड था, स्टेबल माइंड, ओके। अपने ही पाप कर्म का उदय आया है, हम इस रास्ते से निकल जाएंगे, कोई डरो मत। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं, पाप कर्म का उदय, उसके बीच में प्रसन्नता और स्टेडीनेस, स्टेबल माइंड। शायद बोलो ये 5 चीज में से आपका बेटा आपसे क्या ले रहा है, प्रसन्नता, पवित्रता, प्रेम, पैसा और पुण्य। जवाब चाहिए हाँ? पैसा और एक बात, 2 में से ज्यादा प्रसन्न क्या करेगा? मैं एक जगह अब यहां बोला था और फिर बोलूं, ऐसा बाप कभी मत बनना कि आपकी बीमारी का समाचार बेटे को पता चले, डॉक्टर बुलाने बुला करके वकील को बुला के ला रहे। नहीं समझे तू? क्या समझ गए ना? हाँ, ऐसा बाप कभी मत बनना कि आपकी डिसीज का कोई समाचार बेटे को मिले, डॉक्टर को बुलाने के पहले वो वकील को बुला के ला रहे। અને ગુજરાતીમાં એક વાક્ય કહું, તમને થોડું આકરું લાગશે, પણ મેં ઘણા અનુમાન કર્યા પછી કહું, શ્રીમંતોના વારસદારો છે, સંતાન તો ખાલી ગરીબોના હોય છે, શ્રીમંતોના સંતાન હોતા નથી, વારસદાર હોય। ચલો એક વાત છોડો ને, મેરે લીએ મેરી અનુપસ્થિતિમાં ક્યાં વાત કરતે હો? અરે વો ભી મેં ભી તો સમજ લું, પેલા તુમસે હી પૂછ લું। નહીં બોલો, मेरी अनुपस्थिति में मेरे लिए यदि कोई बात निकलती है तो क्या निकलती है? क्यों मी ओपिनियन ऑफ यू,
और मुझे लगेगा कुछ सुधारना जैसा तो मैं भी सुधर जाऊं। सुन भैया, हाँ वो ठीक है, वह आपकी दृष्टि की उदारता है, मेरी उदारता नहीं। एक बात समझ लेना, आपको यदि मेरे में कुछ अच्छा दिख रहा है वह आपकी दृष्टि की ताकत है, वो मेरे भी मेरी ताकत नहीं। हाँ हमेश के लिए। और एक बात तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आज एक गंभीरता से कहना चाहता हूं, बराबर है। कभी ना कभी तुम बुफे में गए हो ना, बुफे में क्या होता है, बुफे नहीं, मैं एक अलग एंगल हूं। एक देखो, हम तो संसार के कोई भी आइटम देखते हैं उनको स्पिरिचुअल में कैसे कन्वर्ट कर दे और वही चीज को लेकर के बैठे, बाकी हमें बुफे बुफे में कोई रस नहीं। मैंने पहले बताया था, बफेलो शब्द सुना है ना, क्या है बफेलो, किसको बोलते, उसमें से बुफे आया। मगर वो खैर, मगर बुफे का एक प्लस पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। प्लस पॉइंट की बात, बुफे में क्या होता है, आप अंदर दाखिल हो जाओ, हर आइटम अलग 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 रखी है ना, आग्रह कोई नहीं, आपको जो भी ठीक लगे वो आइटम ले लो, खा लो और निकल जाओ, बात खत्म, बराबर है। और एक बात बताऊं, अमीर आदमी के वहां शायद भोजन में बुफे की सिस्टम है, कर्म सत्ता ने वैचारिक क्षेत्र में बुफे की सिस्टम बनाई है। रिपीट, कर्म सत्ता ने विचार के क्षेत्र में बुफे की सिस्टम बनाई है। अच्छे गलत बुरे बेकार सच्चे अच्छे हर तरह के विचार का काउंटर पड़ा है, आप जो भी विचार करना चाहो विचार लेके निकल जाओ। शायद बोलो मैं पूछना चाहता हूँ, भोजन में सड़ा हुआ भोजन पसंद नहीं करते, बुफे में विचार में आपके विचार कैसे, विचार का बुफे नहीं, बोलो सीधी जयस क्या। हर तरह के काउंटर लगे, शैतान के सज्जन के बदमाश के डाकू के लुच्चे के जो भी जैसा भी बनना चाहते हो वह विचार को उठा के निकल जाओ। आप किस विचार को पसंद करेंगे, बुफे का काउंटर सोच का। क्या हुआ, क्या है ये काउंटर नहीं लगेगा, काउंटर क्यों, आप जो चाहे वो आइटम ले सकते हो, फिर दिक्कत क्या, सज्जन का भी विचार है, संत का भी है, शैतान का है, चाहे वो विचार लेके निकल जाओ। क्या है 80-20, हाँ कोई विरोध नहीं, और 80-20 तो रहेगा ना, एमा तो कहीं मानदो नहीं, मिठाई नहीं, अरे तीखू प्रसाण भावे तो कोई मानदो नहीं, अरे 80-20 में तो कोई अच्छा मिलावट चाहिए ना, गलत मिलावट तो नहीं चाहिए ना, अच्छी मिलावट का तो प्रश्न ही नहीं। और जितना दूध होता है उतना चावल होता है क्या कभी, आप 80-20 क्या, मैं 95-5 बोलता हूँ, 95% दूध और 5% चावल, मगर क्या कमाल हो जाता दूध का सीधा दही। आप इतना बोलो माना साहब मिलावट करते मगर दूध और चावल की करते, दूध और नींबू की नहीं करते, इतना बोलो साहब, बोलो विचार का बुफे है। क्या है डायबिटीज वाले को, डायबिटीज वाले को क्या खाएगा, उपवास कर दे, डायबिटीज हो ही नहीं, क्या विचार का क्या, नहीं चाहे कैसा भी हो मगर विचार तो इतना टॉप करेगा, इतना टॉप करेगा, इतना टॉप। अभी एक आदमी ने पूछा, अपने मित्रों को पूछा, 2 महीने से अमेरिका की जाने की सोचता हूं, तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, उसने बोला कुछ नहीं, सोचते रहे, सोचने में क्या करना है, सोचते ही रहे। या प्रवचन में भी कई लोग ऐसे, मैं डोनेशन देना सोचता हूं, पूरा चातुर्मास हो जाएगा तब सोचते ही रहेगा। हाँ नहीं, कई लोग ऐसे खोपड़ीबाज होते हैं, हाँ तुम कभी भी आओ बस गुरुदेव बस अभी पक्का। और एक बात बताऊं, सोने के लिए तुम घर में शायद अकेलो, मैं गंभीरता से आज का कोटेशन बता, सोने के लिए आप गद्दी पर चादर डाल रहे हो, रिपीट, आप अकेले हो और गद्दी पे चादर डालने का प्रयास करते हो, आपके परिवार में कोई नहीं, पत्नी मायके गई, बेटा अमेरिका चला गया, आप अकेले हो और सोने के लिए गद्दी पे चादर डालते हो, यहाँ से तुमने चादर डाली और वहां से क्रीज हो गई चादर पे, और आपको लगा सोने में मजा नहीं आएगी, अब वहां गए, वहां से तुमने क्रीज अच्छी की, यहाँ चादर में क्रीज हो गई। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 2-4 क्रीज रहे तो सो जाओ, पूरी रात क्रीज अच्छी करेंगे, रात निकल जाएगी, फिर सोएंगे कब।
धर्म करने के लिए बहुत लोग सोचते हैं, महाराज साहब थोड़ा सेट होने दो, थोड़ा सेट होने दो। मैं बोला तू सेट हो जाएगा तब तक ये धर्म, समझे ना। रात पूरी होने के बाद चद्दर तुम कितनी भी अच्छी करो कोई अर्थ नहीं रहता है। जीवन समाप्त होने के बाद तुम सोच को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, आपके हाथ में आंसू के सिवा कुछ नहीं बचेगा। रहने दो, दो चार चद्दर पे क्रीज रहने दो और सोने का काम कर लो ताकि आपका काम हो जाए। मेरे लिए क्या बात चलती है? नहीं आज आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज। क्या है? हाँ महाराज साहब बहुत महाराज साहब बहुत चापका लगाते हैं वो, मारे महाराज साहब को सुधरना चाहिए। यू मैंने भावनगर में चातुर्मास किया तो एक बार प्रश्न पूछा था, यार मैं इतना गरम गरम बोलता हूँ, वो टाइम तो 27 साल के पहले, खून भी गरम था। तो मैंने दो लड़के को बुलाया, यार 15 दिन हो गया मैं तो इतना गरम 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 बात करता हूँ, तो जाम भावनगर में तो पहला चातुर्मास है मेरा, मेरे लिए हवा क्या? महाराज साहब आपको क्यों पूछना पड़ा? मैं बोला इसलिए कि इतना गर्म बोलता हूँ, लोग ये तो नहीं बोलते ना कि रत्नसुमा का नेचर बहुत गर्म लगता है, ऐसा कोई नहीं। मैं बोला किसी को भी बुरा भी नहीं लगता है महाराज साहब, नहीं आपके मन में एक कभी प्रश्न उठा कि मैं इतना गर्म बोलता हूँ? मैं बोला क्या बात, मेरे साधु भी बोलते कि गुरुदेव इतने गर्म तो आप कभी नहीं हुए, इतनी गर्मी से बात करते और सबकी चमड़ी जैसे उतर जाए, थोड़ा तो गुरुदेव माइल्ड शब्द का प्रयोग करो। मेरे साधु मुझे बोलते और तू बोलता है गर्म गर्म है ही नहीं। मैंने बोला इतना गर्म होने के बावजूद, महाराज साहब होगा आप गर्म बोलते होंगे आपको लगता है, मगर हमें कोई गर्म लगता नहीं। मैंने बोला क्यों? महाराज साहब शादी करने के बाद हमने जो गर्म सुना है उसमें तो कुछ नहीं है, ये बोलते ही रहो महाराज साहब। आपकी ओर से विरासत में लोग क्या लेना चाहते, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और समाज की बात नहीं करना, बड़ौदा की बात नहीं, सिर्फ आपके फैमिली मेंबर को यदि आपकी ताकत है एक बार इकट्ठा करो। प्रशांत भाई कोई कोई डरो मत, आपकी धर्मपत्नियों और खुले दिल से बोलोगी मुझे किसी के मन में द्वेष नहीं पैदा होगा, बट मैं जानना चाहता हूं मेरे लिए तुम्हारे मन में तुम छवि क्या है। कोई कोई दुखी होने की जरूरत नहीं, ओके। अरे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सर बोलो लैब का रिपोर्ट लेने के लिए तो हिम्मत रखनी पड़ेगी ना, कई लोग ऐसे लैब में रिपोर्ट ही नहीं निकालते। उनको बोलो नहीं 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 मार साहब। मैं बोला क्यों माना साहब, खुद सर आ जाएगा, मेरे को होगा तो आएगा कि ऐसे आ जाएगा। सर बोलो आपके परिवार को इकट्ठा कर एक बार रिपोर्ट लेने के लिए तैयार हो, आप बोलो बिंदास और सभी को बोल दूंगी मेरे लिए तुम्हारे मन में जो भी छवि है इधर उधर ऊपर नीचे मेरी शर्म रखे बिना आज ओपन माइंड से आप मेरे सामने प्रकट कर दो, गलत होगा तो सुधारने का प्रयास करूंगा और अच्छा होगा और आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। साथ बोलो इतनी हिम्मत है आपके पास? नहीं मानो नहीं मानो कुछ नहीं, मांगता नहीं। मानो ना मानो अलग प्रश्न है। जयेश क्या मेरे सामने बोलो, ये तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, समाज के सामने प्रकट करो, आपका परिवार उनको बोलो। और यदि सभी को बुला करके एक एक को बुला के पूछो मेरे लिए तुम्हारी राय क्या है, बस दैट्स ऑल। और आपको लगे कि मेरे लिए तुम्हारे मन में राय जो है वो गलत है तो गलत है भी दूर करो, और सही है तो आप बोलो गुड गोइंग, अभी उससे भी अच्छा बनने का मैं प्रयास करूंगा, क्या दिक्कत क्या है? क्या हो जिंदर में क्या है आज? हाँ ओके ओके, मैं अभी जवाब मुझे मत दो यार, आप मुझे जवाब मत दो, आपको कॉन्शियस को पूछो कि मेरा बेटा मेरे लिए ये राय लेकर के क्यों बैठा है, मेरी पत्नी के मन में ये राय क्यों है, तुमने देखा नहीं ऐसा? मैंने बहुत 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 कुछ प्रश्न देख लिया। मैं आज आपके सामने
अभी टाइम नहीं बचा है, बाकी देरानी जेठानी भाई भाभी बाप बेटा माँ बेटी सास बहू और एक दूसरे के लिए राय तुम सुनो तो पागल बन जाओ कि कौन ये स्वर्ग में रहते कहाँ रहते। मैं कहना चाहता हूं बिगड़ा हुआ संसार नहीं है, तुम ये मत मानो बिगड़ा हुआ है सब, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा। मगर इनके लिए पिताजी और माताजी को, देरानी और जेठानी को, सास और बहू को जीवन का बलिदान देना पड़ता है। तुम टीवी खोलने के लिए बैठे हो और वो सीरियल देखने के लिए बैठे हो कि आपके बेटे के मन में गलत फहमी हो सकती है, पप्पा 60 साल की उम्र में ऐसे सीरियल देते आपको जिंदगी भर वो सीरियल बंद करने की ताकत रखनी पड़ेगी। नहीं, सारी दुनिया मेरे लिए कुछ गलत फहमी करे चले, मेरा बेटे के मन में मेरी छवि गलत हो, नॉट पॉसिबल, हर संभव मैं प्रयास करूंगा। क्या है अपनी भूल आ नहीं दिखाई, तू ये कहता है कि हमारा सब हमारी गलती है, मैं दिखाई नहीं पड़ती है। मैं निश्चित तौर से कहूंगा नहीं दिखाई पड़ेगी, अपना मुंह अपने को नहीं दिखाई पड़ता है, दर्पण देखना पड़ता है और दर्पण होता है तब ही तो मुंह दिखाई पड़ता है। अपनी गलती के लिए किसी दर्पण को लेके आओ तब पता चलेगा कितनी गलती लेकर के बैठे हो। बराबर है, आज बात बैठी क्या है? नहीं 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 नहीं, नहीं। सर बोलो, मैं तो बताऊं डॉक्टर डॉक्टर के पास तू जा और मलेरिया हो गया, डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं जाओ मजे से जलसा करो, क्या बोलेगा क्या बोलेगा? हाँ क्या वो अच्छा सुनने डॉक्टर के पास अच्छा सुनने के लिए जाते क्या है? ये डॉक्टर से भी अच्छे, आपका परिवार तो डॉक्टर से भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर शरीर का रोग चेक करता है, आपका परिवार आपके मन को खुला कर देगा। एक लड़का नाम पास हुआ, बाप के पास रिजल्ट लेके आया, अभी फेल हुआ तो बोलना ही चाहिए ना फेल हुआ। और जैसे ही हो बेटे ने बाप ने पूछा बेटा रिजल्ट कैसा आया, पापा रिजल्ट की बात फिर करूं, आप टीचर ने मुझे रिजल्ट तो दिया मगर रिजल्ट देने के बाद बोला ये विरासत का ही प्रभाव है। तेरा बाप इनका बाप सब फेल ही हो। वो मानने के लिए तैयारी में फेल हुआ, फिर एक दूसरा बेटा आया उसने बाप को बोला, बाप ने बोला ए बोल रिजल्ट क्या है, बाप को मालूम है बड़ोड़ा का एक नंबर का लॉयर इनका बेटा फेल हुआ। बाप नहीं समझता, बाप ने बोला बेवकूफ तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं, पप्पा बड़ोड़ा का एक नंबर का डॉक्टर इनका बेटा भी फेल हुआ, मेरे ही क्लास में था। अभी बाप क्या पूछ रहे हैं प्रसन्न भाई उनका, तेरा रिजल्ट क्या है, पप्पा बड़ोड़ा का एक नंबर का लॉयर का बेटा फेल हुआ, फिर पूछा तेरा रिजल्ट क्या बोल, पप्पा बड़ोड़े के एक नंबर का सर्जन डॉक्टर इनका बेटा भी फेल हुआ। अरे तेरे रिजल्ट की बात, बड़ोड़े के एक नंबर का बिल्डर का बेटा भी फेल हुआ। अभी बाप घर में, अरे तेरे रिजल्ट की बोल, पप्पा तुम कौन सा आइंस्टाइन होगे, आपका बेटा पास हो जाएगा। आज एक छोटा सा नियम, सिर्फ एक दिन के लिए, आज का पूरा दिन आपके परिवार को आपकी ओर से प्रेम का मैसेज जाना चाहिए, बस इतनी बात। आज का दिन पैसे का पुण्य का पवित्रता का प्रसन्नता का मैसेज जाए या न जाए, मगर आज के एक दिन पूरे दिन आपके परिवार की हो आपकी ओर से प्रेम का मैसेज मिलेगा। कुत्ता आया रोटी दे दो, गरीब आया 2 रुपया दे दो, रिक्शा वाले ने 15 माह का 20 दे दो। लगना चाहिए कि आज पप्पा प्रेम को इंप्लीमेंट करने जा रहे, ओनली फॉर वन डे। बराबर है आज का एक नियम, आपके परिवार को पवित्रता का प्रसन्नता पुण्य का पैसा का मैसेज चले या न चले, आज के दिन आपके परिवार के सभ्य को
आपकी ओर से प्रेम का मैसेज मिलना चाहिए, राइट? दे दू नियम ओनली फॉर मंडे। सास को कहना चाहता हूं, बहू को कुछ बोलना नहीं, आज प्रेम ही दिखा देना। हाँ, बहू को भी बोलता हूं, ये बोलते बहू को बोलो, गड़बड़ लगती है कुछ। धारणा भी ग्रह बचकाए, बहुत अच्छा। धारणा भी ग्रह बचकाए, अनंतरम गणम सहसागरण महोत्तरागरण सुरगरण वे, बहुत आनंद। लाओ कृष्ण, एक बात, कल नहीं परसों रत्नत्रय ट्रस्ट की ओर से कल्पेश भी शान है, कितने लोगों की डिमांड थी, फिर वो इम्प्लीमेंट होने का नाम ले लेता था, मन में भी सोच आती थी और निकल जाती थी। पहली बार वो क्रेडिट बड़ौदा श्री संघ को, अकोटा श्री संघ को और खास तौर पे प्रशांत भाई को जाती है। आपने मुझे बहुत आग्रह किया कि महाराज साहब 100 से 300 नंबर की किताब का रीप्रिंट किसी भी हालत में होना ही चाहिए, और एक निर्णय बहुत कठोर था, कॉम्प्लिकेटेड था, फिर भी लिया 100 से 300 बुक का रीप्रिंट। और सबसे बड़ी बात, वो कल्पेश नहीं बता पाया, वो मैं बताना चाहता हूं, करीबन संयम जीवन को लेकर के मैंने करीबन 300 में से 40 से 50 किताब तो वो लिखी है, वो जो आज तक साधु साध्वी को छोड़ के किसी के हाथ में गई नहीं है, हमने जाने नहीं दिए। मगर ये 300 बुक का जो ऑर्डर देगा उनको वो 40 किताब भी इंक्लूडिंग इनके साथ मिल जाएगी, और आप कमाल का लाभ ले सकते हो। कई साधु और साध्वी भगवान इसी किताब को लेकर के प्रवचन करते हैं, आपकी ओर से इनको भी पेट देना चाहते हो तो 300 किताब का सेट आप किसी मुनि भगवान के चरण में भी रख करके भेंट दे सकते हो। 21,000 रुपया एक साल में, शायद आप समझते हो, एक साल माने प्रशांत भाई समझे, रोज का एक दिन का पुस्तक का रिप्रिंट हो तो एक साल में यह बुक मिल सकती है, 300 किताब। माने कल बात हुई, जितनी तेज गति से होता है वो तेज गति से रिप्रिंट करना चालू कर देता है, और करीबन 100 से ऊपर नाम आ गए। जिन जिन लोगों को, यहाँ बैठने वाले माता और बहनों सभी को मैं कहना चाहता हूँ, एक सभ्य ज्ञान की भेंट किसी को देना चाहते हो, हॉस्पिटल में, लाइब्रेरी में, जनरल लाइब्रेरी में, सार्वजनिक पुस्तकालय में, और आपके टॉप क्लास के ऑफिसर्स आदि को भी आप ये आइटम भेंट देना चाहते हो, उनके लिए भी टॉप रहेगी और आपके लिए भी बढ़िया रहेगी।